मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय हमारे वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंदानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है और खड़गपुर के इस मैदान में उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम। खड़गपुर के इस शहर में पहली बार शिव गुरु महोत्सव का आगाज हुआ है, शुरुआत हुई है और काफ़ी दिनों से सब कोई यहाँ से चाह रहे थे कि ये कार्यक्रम हो। 2016 में जब हम लोग पश्चिमी मेदिनीपुर के खड़गपुर स्टेशन पर उतरे थे अपने गुरु शिव के कार्य के लिए, एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ था उसके लिए, तो हम लोगों ने आने से पहले ये जाना कि खड़गपुर शहर जो है किस लिए प्रसिद्ध है। तो खड़गपुर शहर दूसरे जगहों पे, दूसरे राज्यों में या देश विदेश में, एक तो यहाँ के जो आईआईटी कॉलेज है उसके लिए प्रसिद्ध है, फिर यहाँ का रेलवे स्टेशन बहुत बड़ा है उसके लिए प्रसिद्ध है, लेकिन हम लोग यहाँ किस लिए आए थे? उस दिन भी अगर हम लोग आए थे तो इसलिए आए थे क्योंकि यहाँ शिव के शिष्यता का फैलाव हो रहा था। शुरुआत एक दो लोगों से ही होती है कहीं भी। पहली बार जब किसी काम का आगाज होता है, प्रारंभ होता है, एक दो लोग होते हैं, लेकिन धीरे 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 लोग मिलते चले जाते हैं, शिव को गुरु बनाकर उस दिशा में चलते चले जाते हैं। और एक दिन जहां दो चार लोग थे, 50-60 लोग थे, धीरे धीरे हजारों लाखों की संख्या हो जाती है। लेकिन लोग चाहे 5 हो चाहे 50 हो, कितने भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि उनके मन में इस विचार ने कितना ज्यादा प्रवेश लिया है। ये एक विचार है, शिव मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर वो दया करें। शुरुआत हम लोग एक विचार से ही करते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में जो पहली बार यहाँ आयोजित हुआ है, आइए हम सभी शिव के शिष्य सबसे पहले इस बात पे विचार करें कि हम सब जो यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं, इसके पीछे हमारी मंशा क्या है। पहला है कि हमने कहीं ना कहीं सुनकर अपने मन में शिव को गुरु बनाया है, चाहे विचारों में बनाया है, चाहे भाव में बनाया है, लेकिन बनाया है। भाई साहब, आप लोग अगर थोड़ा शांत हो जाएं और गुरु बहन लोग, आप लोग भी आपस में इस तरह से बात ना करें तो हम लोग अपनी बात को रख सकेंगे। कारण क्या है कि आज महादेव भी उतर कर अगर अपनी बात कहने लगे और हम शिव के शिष्य उनकी बात ही नहीं सुने तो उनका बोलना भी व्यर्थ हो जाएगा, उनका आना भी व्यर्थ हो जाएगा। और वह हलचल जो है, बाहरी हलचल जो जगत में हलचल चल रहा है, वो कैसे शांत हो जाता है? वो ऐसे कि जैसे ही हमारा मन शांत होता है, हमारे शरीर की हलचल भी शांत हो जाती है। मन जहाँ एक जगह एकाग्र हो जाता है तो शरीर में क्या हो रहा है ये भी एक दिन पता चलना बंद हो जाता है। तो आज जो ये महत्वपूर्ण समय अभी चल रहा है हम लोगों का, अभी जो हम लोग बैठे हैं, निवेदन है कि आप जहां हैं बैठ जाएं, शांति से बैठ जाएं और बिना विश्वास या बिना समर्पण के भी
अगर शिव की बात को आप सुनते हैं और आपके मन में वो बात रह जाती है, घूमती रहती है, तो उसका भी परिणाम उतना ही है जितना विश्वास के साथ परिणाम आता। हमारे आपके घरों में और ये जो क्षेत्र है पूरा पश्चिम बंगाल शक्ति का क्षेत्र है। या शक्ति शिवस्य शक्ति, शिव अपनी शक्तियों से जाने जाते हैं। शक्तियां शिव का प्रकटीकरण है। माँ दुर्गा माँ काली की पूजा हम करते हैं, ये माँ दुर्गा ये माँ काली शिव की इच्छा यानी कि शिव की शक्तियां हैं। और सोचिए जब माँ काली के बारे में हम जितना ही जानते हैं तो हम सोचते हैं कि कितनी बड़ी सत्ता है वो। माँ दुर्गा के बारे में जितना ही समझते हैं लगता है कि उनकी पूजा में कोई भूल ना हो जाए, भाव कुछ कम ना मिल जाए, श्रद्धा और ज्यादा दे सकें। सुंदर से सुंदर पुष्प, साफ से साफ पानी हम अर्पित करते हैं। जो सबसे सुंदर है हमारे जीवन में वो शिव को चढ़ाते हैं, माँ काली माँ दुर्गा को चढ़ाते हैं। लेकिन हमारे मन में जो सबसे सुंदर है वो भाव नहीं देते। कल भी हम लोग इसी बात पे चर्चा हो रही थी कि मान लीजिए कि एक रिश्ता है पति और पत्नी का। जगत में बहुत सारे रिश्ते हैं हमारे, किसी ना किसी से कोई ना कोई रिश्ता होता है। पति और पत्नी है जगत में है। पति ने पत्नी के लिए सारी व्यवस्था की है। सारी व्यवस्था का अर्थ हुआ कि जो जगत की लौकिक व्यवस्था हो सकती है, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, कपड़े, पैसे, गहने, मतलब एक व्यक्ति को जो चीज भी चाहिए वो सारी चीजों की व्यवस्था उस पति ने कर दी है। यानी वह सारी चीज दे दी है, व्यवस्था कर दी है। अगर नहीं दिया है तो क्या? नहीं दिया है तो सिर्फ पति का भाव नहीं दिया है, बस बात इतनी ही हुई है। लेकिन उस पत्नी के लिए पति के द्वारा दिए हुए ये सारी चीजों का अर्थ व्यर्थ हो जाता है अगर पति का भाव ही नहीं मिलता है। पति ने भाव नहीं दिया है, महल दिया है, गहने दिए हैं, तो मेरे लिए वो माटी हो जाता है उस दिन, क्योंकि उसने अपने हृदय का भाव नहीं दिया। हम शिव पे जल चढ़ाते हैं, हम शिव की पूजा करते हैं, हम बेलपत्र और पुष्प चढ़ाते हैं, आराधना उपासना मंत्रों का जप करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जिसके लिए करते हैं उसके लिए हृदय का भाव ही नहीं जगता है तो ये सारे चीजें व्यर्थ हैं। शिव को हम क्या दे सकते हैं, उस महादेव को हम क्या दे सकते हैं? ये जल भी उसी का है, ये पुष्प भी उसी के हैं, ये सारी कायनात भी उसी की है, उसी की चीज उसी को तो दे दी। लेकिन उसने एक जीवन भी दिया है, मन में एक भाव, एक हृदय भी दिया है, मस्तिष्क दिया है तो हृदय भी दिया है। उस हृदय में भाव होते हैं किसी के लिए जिसको हम अपना समझते हैं। तो महादेव को अपना ही नहीं समझा तो ये सारे कर्मकांड व्यर्थ हो जाते हैं। जब हमारे घर में कोई आता है हम कहते हैं कि नहीं नहीं अतिथि आए हैं, मेरे घर आए हैं, तो हमको खुद उसको पानी ले जाकर देना चाहिए, हमको खुद उसके लिए भोजन का प्रबंध करना चाहिए। क्योंकि अगर मैं नहीं करूं तो वो कहेगा, उसको दुख होगा, वो कहेगा कि मैं आया इनके घर था लेकिन इन्होंने व्यवस्था दूसरे से करा दी। देखिए लौकिक चीजों की समझ हम लोगों को है लेकिन पारलौकिक चीजों की जो समझ नहीं है उसी को देने का काम वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिदानंद जी ने किया। उन्होंने कहा कि जैसा आता है, जो आता है, महादेव को खुद उनकी पूजा करनी हो या उनकी शिष्यता की बात करनी हो खुद करिए, जैसे आता है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या बिगड़ेगा? मान लीजिए कि आपने खुद ये आयोजन किया,
या तो दरी सीधी करते या दरी उल्टी बिछा देंगे, इससे ज्यादा क्या होगा। हम घास पे बैठ के भी महादेव की बात कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि आपने अभी भाई सोमेंद्र जी को ये विषय मिला था, शिव शिष्यता की पृष्ठभूमि, व्याप्ति और प्रयोजन। मेरा अनुरोध होगा कि आप इस विषय के बारे में आपने जो सुना है वो भी, और अभी भी हम लोग जो बात करेंगे उसको भी थोड़ा अपने मन को ध्यान से लगाकर सुनिएगा। क्योंकि अगर ये हीरा भी रखा हो सामने, लेकिन हम समझ ही नहीं सके कि मेरे हाथ में हीरा है, तो हम क्या करते हैं, कंकर की तरह फेंक देते हैं। एक घटना साहब ने कही, कथा है ये, कहानी है, महादेव और माँ पार्वती आकाश मार्ग से जा रहे हैं, कहानी है ये, एक कथा है, जा रहे हैं। नीचे वो धरती पे देखते हैं कि एक व्यक्ति अकेले, फटे हाल, फटे हुए कपड़े पहने हुए रास्ते से गुजर रहा है, जा रहा है। माँ पार्वती करुणा से भींग गई, उन्होंने कहा महादेव से कि महादेव, आप तो तीनों लोगों के पति हैं, सबको देते हैं, इसको क्यों वंचित रखा है, इसको भी दीजिए। महादेव ने कहा कि छोड़ो, उसका कर्मफल है। माँ ने कहा कि नहीं नहीं, आपको देना होगा, मेरी आंखों ने देख लिया है उसके कष्ट को, और तब आप नहीं देंगे ये कैसे होगा, देना होगा। तो महादेव ने कहा कि ठीक है, इतना आप की जिद है तो चलिए दे देता हूँ। उन्होंने क्या किया कि जिस रास्ते से वो जा रहा था, उस रास्ते में एक बोरा हीरे, मोती, रतन सब उस बोरे में बंद है, उसको रास्ते पे रख दिया, और वो उसी रास्ते से जा रहा है। उस व्यक्ति ने चलते चलते अचानक सोचा कि रोज मैं आंखों से देखते हुए चलता हूं, आज मैं सोचता हूं कि आंख बंद करके चल के देखता हूं कि जिसकी आंख नहीं होती है वो कैसे चलता होगा, और जिस समय वो उस जगह से गुजर रहा है उसने अपनी आंख बंद कर ली और आंख बंद करके वो चलने लगा। तो जब वो रास्ता पार कर गया, उतनी दूरी पार कर ली उसने, तो उसने कहा, आंखें खोल ली और कहा, हाँ ये ठीक है, अब मैं समझ गया कि जिसकी आंख नहीं होती वो कैसे चलता है। फिर ये घटना भी हो गई, तब तक थोड़ा अंधेरा हो गया। महादेव ने कहा, देखो पार्वती, तुमने जिद की तो मैंने उसको दे दिया, लेकिन उसने खुद क्या किया, मेरे दिए हुए चीज को भी न वो देखा न वो समझ पाया। फिर दूसरा व्यक्ति आ रहा है, वो भी काफी गरीब है, तो माँ पार्वती ने उसके मन में ये प्रेरणा जगाई कि चलिए मैं उसके मन में प्रेरणा जगाती हूँ कि वो उस बोरे को तो ले ले। तो उस व्यक्ति ने बोरे को तो उठा लिया, अब सामने है नदी, नदी के किनारे जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बैठा रहा, फिर उसने सोचा, पता नहीं इस बोरे में क्या है, जरा खोलकर देख लेता हूं। बोरे को खोला और अपने ही ख्यालों में खोया हुआ, अनजाने में, बेध्याने में उसने क्या किया कि बोरे से एक एक रतन को उठाया और पानी में फेंकने लगा। उसको लगा कि कंकर पत्थर है लगता है, जब सारे रतन हीरे मोती उसने फेंक दिए, तो अंत में उसने सोचा कि बोरा तो खाली हो गया होगा, तो उसने बोरे को उलट दिया और उसमें से एक हीरे का टुकड़ा नीचे गिरा। अंधेरे में चांदनी की रोशनी थी, चांद की रोशनी में वो हीरा चमकने लगा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि अरे ये तो कुछ अद्भुत सी चीज लग रही है। तो वो तो था हीरा। अब वो इतने पछतावे में बैठा उस समय, उसने सोचा एक बोरा मैंने ऐसे फेंक दिया, पानी में फेंक दिया, और इतना गहरा पानी है कि उतर के ला भी नहीं सकता। हम अपने दैनिक जीवन में भी बहुत बार ऐसा ही करते हैं। महादेव संदेश भेजते तो हैं, जैसा अभी इन्होंने कहा संदेश आया है, महादेव संदेश भेजते हैं, बार बार हम लोगों को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। विषय आपने सुना ना, आओ चले शिव की ओर,
बार बार अपनी तरफ लेके चलना चाहते हैं, लेकिन हम लोग उसी समय अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं, अपने बातचीत का विषय आपस में बातचीत करने लगते हैं, या फिर हीरा जो पाया था उसको ऐसे ही फेंकते चले जाते हैं। और जब जीवन की संध्या बेला आती है, जब जीवन में थक के श्रांत क्लांत होकर बैठते हैं, तब अपने जीवन को मुड़ कर देखते हैं और कहते हैं कि मैंने अपना इतना जीवन कैसे व्यर्थ कर दिया, कैसे बिता दिया। तो आइए पहले हम लोग, इसीलिए मैंने अनुरोध किया कि थोड़ा ध्यान से अपने ध्यान को थोड़ा सा केंद्रित करिए, ताकि ये समझ सके हम लोग कि किस विषय में हम लोग बात करने आ जाए हैं। भगवान शिव, जब भी हम कहते हैं शिव, महादेव, भगवान, ईश्वर, महेश्वर, तो एक ही चेहरा कौंधता है। तस्वीरों में हो या शिवलिंग में हो, लेकिन हमारे मन में एक आकृति उभरती है, एक तस्वीर उभरती है, और वो तस्वीर होती है महादेव की। भारत देश, जिस देश में हम आप रहते हैं, भारत देश में माना गया है कि ये आध्यात्म की धरती है, और पूरी दुनिया में आध्यात्म का संदेश इसी धरती से गया है। इस देश ने महादेव की पूजा की हजारों वर्षों से महादेव की शिवलिंग के रूप में, रुद्र के रूप में, महाकाल के रूप में, त्र्यंबकेश्वर के रूप में, बहुत अनेक रूपों में महादेव की पूजा हो रही है। हम अपने घरों में भी करते हैं, हमारे गांव में, हमारे शहर में शिव के विभिन्न मंदिर हैं। इतने मंदिर हैं भारतवर्ष में शिव के कि गिनती नहीं हो सकती है, इतने ज्यादा हैं। यानी यहाँ के घर घर में, यहाँ के गांव और शहर में शिव की पूजा होती आई है। लेकिन वही बात इतनी ही हो गई कि कर्म कांड तो सब कुछ किया, उपवास भी कर लिया, फूल भी चढ़ाए, जल भी चढ़ाए, नहीं दिया तो महादेव को अपने मन का भाव नहीं दिया। अब हम आते हैं कि भगवान शिव के अनेक रूप जो हैं, उसमें एक रूप है जगत गुरु शिव का। जगत गुरु शिव यानी पूरे जगत का गुरु हो सकते हैं वो, है आदि गुरु शिव, यानी गुरु की परंपरा जहां से शुरू हुई है। जैसे बंगाल में भी काफी गुरु और शिष्य परंपरा अभी भी है और पूर्व से भी चलती आई है। बहुत ऐसे भी गुरु हैं जो अब शरीर में नहीं है, लेकिन तब भी उनके शिष्यों की परंपरा चल रही है। यानी गुरु और शिष्य परंपरा यहाँ की धरती में रची बसी हुई है, भींगा हुआ है ये माहौल इस परंपरा से। लेकिन कोई भी गुरु ईश्वर से जोड़ने का काम करता है। अभी तक में हम लोगों के जीवन में जो नहीं हुआ, वो बस इतना ही नहीं हुआ कि उस ईश्वर से हमारा मन सीधे नहीं जुड़ सका। अभी तक सामान्य और अति सामान्य लोग दूर से ही खड़े होकर महादेव को देखते रहे, महादेव के मंदिरों में अपने हाथ को कपकपाते हाथों को जोड़कर आंख में आंसू लिए यही सोचते रहे कि महादेव आप बहुत बड़ी सत्ता हैं, हमको कुछ नहीं आता, न मंत्र का जप आता है, न साधना आती है, हमको कुछ भी नहीं आता, हम कैसे आपके नजदीक हो सकते हैं। दुनिया के लोग ऐसे ही थे, पूजा तो कर रहे थे, लेकिन महादेव मेरा अपना है, हम उसके इतने नजदीक हो सकते हैं, इस बात को उन्होंने नहीं समझा था। अब इसी युग में, इस युग को कहते हैं कली युग, इसी कली युग में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसको दुनिया ने नाम दिया हरिंद्रानंद, जिनको हम कहते हैं साहब हरिंद्रानंद। उनके माता पिता ने नाम दिया हरिंद्रानंद। बिहार की धरती पे सिवान जिले के अमलोरी गांव में उनका जन्म हुआ सन 1948। दिन था दीपावली का और शाम में दीपावली मनी और तारीख थी 31 अक्टूबर। कल हम लोग यहाँ थोड़ी देर के लिए IIT गए थे, मैंने वहां पूछा कि इसकी स्थापना कब हुई थी, पता चला 1950 में।
मेरे मन में उसमें विचार आया, इसकी भी स्थापना से पहले उस बालक का जन्म हो चुका था, 1948 में ही हो चुका था। और शाम में दीपावली मनी, तिथि खंडित हो गई, दीपावली मनी, मंगल दीप जले, दीप जलाते हैं हम, और उस दिए को देखकर, उसकी रोशनी को देखकर हम गीत गाते हैं, मंगल दीप जले। हमारे मन में ऐसा ही दीप जला दो ईश्वर, हमारे मन के अंधेरे को दूर कर दो। हम गीत तो गाते हैं, घर घर में गाते हैं, लेकिन इसके लिए क्या करना चाहिए ये नहीं जानते और ना तो करते हैं, जान भी जाते हैं तो करते नहीं। वहां साहब हरिंद्रनंद जी का जीवन आगे बढ़ता है और उनके जीवन की अनेक घटनाएं चलती रहती हैं। उन सारी घटनाओं ने उनके मन को मोड़ दिया है एक दिन आध्यात्म की धरती की तरफ, आध्यात्मिक अभिरुचि के तरफ उनकी रुचि बढ़ गई है। और एक दिन जन्म के इतने वर्षों के बाद 1974 में एक श्लोक, जैसे मैंने अभी कहा कि हम घर घर में पूजा करते हैं, श्लोक भी बोलते हैं, गीत भी गाते हैं, लेकिन मन में वो प्रवेश नहीं करता। उस दिन उनके मन में बस एक श्लोक की गूंज उठी थी, गुरु र ब्रह्मा, गुरु र विष्णु, गुरु र देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मानी शक्ति को धारित करते हैं, यानी पैदा करने की शक्ति। गुरु वैष्णवी शक्ति को धारित करते हैं, यानी आपके जीवन को चलाने की शक्ति। गुरु संहार की भी शक्ति रखते हैं, यानी आपके जीवन के लय की, जीवन हो या आपका मन हो, दोनों में गुरु की भूमिका सर्वोपरि है, सबसे ऊपर मानी गई है। उस दिन यही श्लोक साहब हरिंद्रनंद जी के मन में गूंजा और उन्होंने कहा कि दुनिया गुरु में ये सारी शक्ति खोजती है, गुरु में ये सारी शक्ति मिल जाती है उसको, लेकिन जब गुरु भगवान होते हैं तो वो सीधे वो भगवान ही गुरु क्यों नहीं है। बात बस इतनी ही थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। और सबका उस ईश्वर से अपना अपना रिश्ता है, वही माँ काली की मूर्ति है, किसी के लिए वो मूर्ति है और किसी के लिए वो साक्षात जीवंत है। वो कहती है, माँ बुलाती है, माँ बुला रही है। देखिए, किसी के लिए वो मूर्ति है लेकिन किसी के लिए इतनी जीवंत है कि वो अपनी माँ को का ही दर्शन उसमें कर रहा है। तो जो चीज दूसरे के लिए निर्जीव होती है, किसी के लिए बहुत जीवंत, बहुत सजीव होती है। साहब हरिंद्रनंद जी ने शिव को ईश्वर जाना था, शिव को ही अपना गुरु बना लिया। फिर उनके जीवन में बहुत सारी घटनाएं और आगे आती रह गई और उन घटनाओं के आधार पे उन्होंने तीन सूत्रों का निरूपण किया। तीन सूत्र जो हम लोग जानते हैं और एक दूसरे को बताते हैं। पहला सूत्र में हम करते हैं कि शिव को गुरु मानते हैं और पहला सूत्र हम कहते हैं, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। पंक्ति बहुत सामान्य सी लगती है सुनने में, लेकिन ये सुनने में जो सामान्य लगती है, ये आपके और मेरे अंदर के सब चीजों को बदल देती है। क्योंकि अभी तक अपना मतलब मेरे लिए बेटा था, अपना मतलब मेरा घर था, अपना मतलब मेरी संपत्ति थी, अपना मतलब मेरे जेवरात, मेरे कपड़े थे, अपना मतलब जो धरती पे जिन रिश्तों से हम बंधे हैं वो अपने हैं। लेकिन वो महादेव सबका है, अरे वो तो भगवान है। हम कहते हैं, अरे महादेव की बात क्यों नहीं मानेंगे, महादेव तो भगवान है, महादेव तो ईश्वर है, उनसे अलग हम लोग कैसे हैं। हाँ हाँ, हम मानते हैं, मानते हैं, लेकिन सबका मानते हैं, ये मानते हैं कि वो सबका है, मेरा है। बस बात इतनी थी, मेरा जिस दिन हुआ कमाल हो गया। जब तक सबका रहता है वो सार्वजनिक है, ये मैदान सार्वजनिक है ना, इस मैदान में हम लोग अभी बैठे हैं,
कार्यक्रम है तो सफाई हो गई, फिर हम लोग आज चले जाएंगे, आप भी चले जाएंगे। क्या आप लौट कर आएंगे इस मैदान को देखने? नहीं आएंगे, क्योंकि ये सबकी है। जिसको काम था उसने उस समय इसका उपयोग कर लिया, और बाद में क्या मतलब। साहब ने कहा कि एक बार एक व्यक्ति जब उसके जीवन में कष्ट होता था तो वो महादेव के मंदिर पहुंच जाता था, और जब कष्ट खत्म हो जाता था तो फिर अपने जगत में खो जाता था। एक दिन ईश्वर ने उस महादेव ने उस व्यक्ति से कहा कि हमेशा मतलब से ही आते हो, कभी मिलने भी आ जाओ। देखिए, वो हंसकर जो बात कह देते हैं, हमारे मन में फैले अंधेरा जो है वो दूर हो जाता है। यानी कि उन्होंने कहा, अरे महादेव से बिना मतलब भी तो कभी मिला करो, अपना है वो। तो तीनों सूत्र करने के पीछे एक ही मनसा होती है कि महादेव मेरा हो जाए, अपना हो जाए। पहला सूत्र में भी हम यही बोलते हैं, हे शिव आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, आपका शिष्य हूँ, मुझ इस पर दया करिए। और हम दया शब्द का प्रयोग करते हैं। अभी तक में जैसे अभी हम बंगाल में हैं, हम लोग पूरे भारतवर्ष में या बंगाल में भी हमारी संस्कृति, हमारे शास्त्र, हमारे विद्वान बोलते हैं कि कृपा होगी तब न होगा। यानी मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष भी मिल सकता है लेकिन गुरु की कृपा होनी चाहिए। कृपा शब्द का अर्थ होता है कुछ करिएगा तो पाइएगा, कुछ करिए जितना करिएगा। अगर किसी ने मजदूरी की है तो जितनी मजदूरी की है उतना पैसा उसको मिल गया। तो कुछ करिएगा साधना मंत्र का जप तो उतना मिल जाएगा। लेकिन साहब हरिंदानंद जी ने दया शब्द का प्रयोग किया। दया यानी हमसे कुछ भी नहीं होता है तब भी महादेव हमको चाहिए, हमको दीजिए, मेरे ऊपर दया करिए। तो पहला सूत्र ही यह कहता है कि गुरु की दया ही सर्वोपरि है, शिष्य के जीवन का आधार है। गुरु की दया हो जाए तो क्या नहीं हो सकता है। क्या इस धरती पे ऐसा है जो गुरु की दया हो जाए तो हमको प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन गुरु की दया तो हो जाए और हम मांगते भी हैं तो कितनी छोटी चीज, अपने जीवन के छोटे छोटे चीजों के लिए। ठीक है, हम जाते हैं महादेव के पास, उनसे मांगते हैं, लेकिन कभी अपने इस पारलौकिक जीवन के लिए भी, अपने अंदर जो जीवात्मा है उसके यात्रा के लिए भी तो उस महादेव से दया मांगे। तो पहले सूत्र में हम ये कहते हैं, बोलते हैं, बोली में बोलते हैं, बोलते ही रहते हैं। और हम कहते हैं कि मन में वो भाव नहीं आ रहा है, बोली में तो बोल रहे हैं। दूसरा सूत्र जब हम करने लगते हैं, यानी शिव की चर्चा, शिव से दया मांगना प्रेम की अभिव्यक्ति है। साहब की लिखी हुई ये पंक्ति है, प्रेम की अभिव्यक्ति, यानी किसी से प्रेम हो जाए तो वो व्यक्त होना चाहता है, बताना चाहता है, चुप नहीं रह सकता। किसी व्यक्ति से भी प्रेम हो जाए तो हम एक न एक दिन मौका खोजकर उसको ये कहने जाते हैं कि मैं तुमको प्रेम करता हूँ, मैं तुमको प्रेम करती हूँ। कुछ ना कुछ मौका हम खोज लेते हैं। यानी प्रेम अभिव्यक्ति, दया की याचना प्रेम की अभिव्यक्ति है। दया बार बार मांगना प्रेम पैदा करता है एक दिन, और प्रेम अभिव्यक्त होता है। दूसरा सूत्र जब हम करते हैं, यानी शिव की चर्चा, हम भी कर रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, कभी आप भी करते हैं, हम भी सुन रहे हैं, यानी चर्चा। आज तक आपने सुना होगा कि शिव की कथा का प्रचलन है, या और भी रामायण की कथा, महाभारत की कथा, भागवत कथा, कथा का शिव पुराण की कथा, कथा का प्रचलन है। यानी जो चीजें हो गई हैं, किताब में लिखा हुआ है, उसके बारे में कोई बैठा है और बता रहा है, बाकी लोग सुन रहे हैं। लेकिन पहली बार इस शब्द का प्रयोग हुआ शिव की चर्चा। चर्चा यानी बात, शिव की बात। उन्होंने कहा कि हम इंसान जिस चीज के बारे में ज्यादा बात करते हैं,
संकीर्ण अगर बात करने लगे हैं, जैसे आपने देखा होगा हमारे समाज में या हमारे आपके बारी के आसपास जो लोग रहते हैं, तो कोई किसी के बारे में हमेशा अच्छा अच्छा बोलता है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति भी होता है कि उसको आप देखिएगा कि वो किसी के लिए अच्छा नहीं बोलता। हर व्यक्ति के में कोई ना कोई खोट निकालेगा कि हाँ देखो वो आदमी ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है, देखिए उसने ऐसा किया। तो हमेशा ऐसी बात करने वाले का मन भी एक दिन वैसा ही हो जाता है, और दूसरों को अशांत करने वाला खुद भी कभी शांत नहीं हो पाता। लेकिन कोई ऐसा भी होता है जो थोड़ा बड़े स्तर पे बात करता है, उदार चित्त की बात करता है, समाज की बात करता है, दूसरे के हित की बात करता है। ठंड आ गई है तो हमको एक कंबल है, चार कंबल दूसरे को दे आते हैं, इसकी बात करता है। कोई कहता है मुझको तो भोजन मिल गया है, चलो आज 10 लोगों को खिला देता हूँ, दूसरों को खिला देता हूँ जिनके पास पैसे नहीं है खाने के। देखिए अब वो अपने से, व्यष्टि से, यानी अपने सिर्फ सोच में जो डूबा था वो थोड़ा सा ऊपर होता है और थोड़ा दूसरों के बारे में भी सोचने लगता है, यानी विराट की तरफ जा रहा है, पूरे बड़े स्तर पे जा रहा है उसका मन, तो उसकी सोच भी वैसी होती जाती है। और वैसे व्यक्ति के लिए दुनिया के लोग ही कहते हैं कि अरे वो व्यक्ति बड़ा अच्छा है। देखिए हमेशा दूसरे के लिए सोचता रहता है, और किसी दिन हम देखते हैं कि वो कष्ट में पड़ गया है तो हम लोग आपस में मिल के कहते हैं कि देखिए ना वो सबके लिए हमेशा करता रहा, आज खुद कष्ट में पड़ गया है, चलिए हम लोग सब मिल के उसकी मदद कर देते हैं। उसने मदद मांगी नहीं आपसे, लेकिन उसने जो किया, जो सोचा, उसको अब उसका कर्मफल मिल रहा है, उसको उस जो उसने समाज को दिया है वो अब उसको वापस मिल रहा है। साहब ने कहा शिव की बात करने वाले का मन शिव जैसा होता है, यानी जिसकी बात हम सबसे ज्यादा करते हैं एक दिन हमारा मन भी उसके जैसा होने लगता है। तो महादेव महादेव करते करते एक दिन ऐसा होता है कि हम जगत में रहते हैं लेकिन परिवार में रहते हुए, झंझावात में रहते हुए, इतने सड़क पे गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं, चौक चौराहे पे खड़े हैं, लेकिन तब भी मेरे मन में शिव की गूंज है, मेरे मन में महादेव की बात हो रही है, यानी शिव की चर्चा, शिव की बात ऐसी बात होती है जो स्वयं को भी, यानी मुझको भी, जो बोलता है, जो सुनता है उसको भी, दोनों को शिव भाव से आप्लावित करता है, भर देता है। अब है कि गुरु के रूप में वो क्या करते हैं। हमने पंक्तियां सुनी है शिव की, क्योंकि शिव की चर्चा दूसरे सूत्र में हम कर रहे हैं। तीसरे सूत्र में हम शिव को प्रणाम करते हैं, प्रणाम हमारा मन करता है, प्रणाम भी देखिए यहां भी मन की ही भूमिका है, प्रणाम भी हमारा आपका मन करता है। कैसे, बहुत लोग हमारे जीवन में ऐसे हैं, आ गए हैं सामने तो हाथ जोड़कर प्रणाम कर दिया है, यहाँ तक कि गुरु भाई गुरु बहनों के बीच भी आप देखिएगा कुछ लोग तो नमः शिवाय का प्रयोग भी प्रणाम करने के लिए करने लगे हैं। जैसे सामने आ गए हैं तो कहेंगे नमः शिवाय, सामने आ गए हैं तो कहेंगे कि प्रणाम। गुरु भाई थोड़ा सा आगे चला गया है, उसके जाते ही कहेंगे कि जानते हैं वो कैसा है, लेकिन अब सामने आ गया है तो क्या करते, प्रणाम कर लिया है। देखिए यही संबंध है हम लोगों का, सामने आ गए हैं तो शिष्टाचार निभा दिया है लेकिन मन से वो प्रेम है नहीं, और जिसके लिए हो जाता है वो आपसे मिले या ना मिले आपका मन उसको प्रणाम करता ही करता है। साहब ने कहा कि उस महादेव को भी अपने मन से प्रणाम करो। अब है कि मन से प्रणाम करना बड़ा कठिन है, मन टिकता ही नहीं है, भाग जाता है बार बार, कैसे टिकाए, कैसे प्रेम करें, कैसे प्रणाम करें। उन्होंने कहा कि जो विधि आपको आती है प्रणाम करने की, हाथ जोड़ के करना है, आंख बंद करके करते हैं, आंखें खोल के करते हैं, जैसे आपको सुविधा है, मन ही आपका प्रणाम करता है, करिए। आप नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग भी कर सकते हैं। नमः शिवाय मंत्र
लेकिन उन्होंने ये नहीं कभी भी कहा न लिखा है कि आपको किसी हाल में नमः शिवाय से ही करना होगा, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा है कि नमन का प्रयास महत्वपूर्ण है, आप नमः शिवाय मंत्र का सहारा ले सकते हैं, और क्योंकि ये सहारा सबसे सुंदर है तो इसी का सहारा लेकर करें तो ज्यादा अच्छा है। नमन करने की अलग अलग पद्धतियां हैं हमारे समाज में, कोई कमल के गट्टे पे भी करता है, कोई रुद्राक्ष के माले पे करता है, कोई सांसों पे करता है, सांस पे चढ़ाता है, सांस से उतारता है, जैसा साविधि विधि के साथ साहब के जीवन में नमः शिवाय आया, वैसी ही विधि से हम गुरु भाई गुरु बहन भी महादेव को प्रणाम करते हैं। लेकिन अभ्यास नहीं है तो कमल हाथों में रुद्राक्ष की माला लेकर उससे भी कर लेते हैं। 108 का जप है, संख्या है, गिनी हुई है, उसी से जप कर लेते हैं। लौकिक और पारलौकिक कष्ट, रुद्राक्ष के माले से की हुई गणना जप लौकिक कष्टों को कम करती है, लेकिन सांसों पे किया हुआ जप आपके लौकिक और पारलौकिक दोनों दोनों कर्म बंधनों का क्षय करती है, दोनों कर्म बंधनों को तोड़ती है, दग्ध कर देती है। जैसा कैसे दग्ध करती है, कर्म फल तो हमको भोगना पड़ेगा, हमने कुछ किया है तो भोगना पड़ेगा। ये दग्ध करती है ऐसे जैसे मकई का दाना है, अगर जाइएगा खेत में लगाइएगा तो पौधा निकल जाएगा, लेकिन आपने तावा चढ़ाया है चूल्हे पे और मकई के दाने को अगर भून दिया है उसमें, मकई का दाना है वो अभी भी है लेकिन भून चुका है, अब उसमें पौधे नहीं निकलेंगे। तो कर्मफल को दग्ध करना यानी कर्मफल है लेकिन भोगने की व्यवस्था नहीं है, महादेव गुरु के रूप में ऐसी दया करते हैं। गुरु के लिए कहा गया, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काटे खोट। गुरु कुम्हार है, मतलब कहा गया है कि गुरु कुम्हार का काम करते हैं, जैसे कुम्हार मिट्टी के, खराब मिट्टी है, परी हुई मिट्टी है, उसको भी छांट के ले आता है, उसमें से अच्छी मिट्टी चुन के ले आता है, उसको गूंथ देता है और वो ऐसे जो मिट्टी का टुकड़ा है उसको अपने चाक पे घुमाता है, अपने हाथ का सहारा देता है, और कुंभ जो है, जो मिट्टी है, ऐसे उसको कुम्हार के रूप में सुंदर सुंदर आकृति दे देता है। गढ़ी गढ़ी काटे खोट, यानी हमारे आपके मन में, जीवन में जो खोट है, जो अवगुण है, वो कैसे गुरु दूर करते हैं, कि वो एक तरफ तो गढ़ते भी रहते हैं, आकृति भी देते रहते हैं सुंदर सुंदर, और एक तरफ उसमें जो खराब निकलता जाता है उसको काट काट के हटाते भी जाते हैं। गढ़ी गढ़ी काटे खोट, अंदर हाथ सहारा दे, अंदर हाथ से सहारा भी दिए रहते हैं और बाहर मारे चोट, यानी बाहर से चोट जो लगती है वो तो हमको दिखता है, हमको लगता है कि अरे गुरु भी मान के चले तब भी कष्ट मिल रहा है, लेकिन हम ये नहीं देख पाते कि अंदर से जो हाथ का सहारा है वो तो हमको दिखाई नहीं देता, चोट दिखाई दे रही है, सहारा दिखाई नहीं दे रहा। तो वो सहारा भी दिए रहते हैं और जीवन को सुंदर बनाकर शिव बनाने की प्रक्रिया में भी डाले रहते हैं। ये तीनों सूत्र हमारे आपके मन को शिव की तरफ आवेशित करते हैं, शिव की तरफ ऐसा आवेशित करते हैं कि हम हर श्वास में शिव का नाम लेने लगते हैं। जिस काम को करने के लिए हमारे समाज में, हमारे घर परिवार में या इस दुनिया में बहुत लोगों ने अपने घर को छोड़ दिया, घर परिवार का त्याग कर दिया, जंगल पहाड़ों पे चले गए साधना करने, उपासना करने, मंत्र का नाम मंत्र जपने चले गए, गृहस्थ आश्रम छोड़ दिया, ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया, मांसाहार छोड़ दिया, बहुत कुछ किया बहुत लोगों ने, मात्र कारण यही था कि ईश्वर से वो एकमेक हो जाए, ईश्वर से मिल जाए। लेकिन देखिए हम सब क्या है, हम सामान्य अति सामान्य लोग अपने घर में रहते हैं,
अपने गृहस्थ आश्रम के तमाम उतार चढ़ावों के बीच रहते हैं, लेकिन उस बीच में भी हमारा मन शिव के लिए आवेशित रहता है। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है? क्या कोई साधना की? गृहस्थ आश्रम छोड़ दिया है, घर छोड़ दिया है, खान पान छोड़ दिया है, ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया है, कुछ भी नहीं किया, कुछ क्रिया न साधना, कोई क्रिया नहीं, कोई साधना नहीं, मात्र हम लोगों ने अपने गुरु शिव को याद किया है अपने मन से, मात्र हम लोगों ने दया मांगी, बस बात ही तो की थी महादेव की, लेकिन ये हो क्या गया? हमारा मन बदल कैसे गया? ये उतरा क्या है हमारे जीवन में? बात ही तो की थी, प्रणाम तो किया था, लेकिन हरि से लागी रहो रे भाई, तेरा बनत बनत बन जाए। हरि से लागे रहते हैं तो बनत बनत वो बन जाता है, एक दिन लगे रहना जरूरी है, नजदीक खड़े होना जरूरी है। आइए हम लोग, कोई अगर जिज्ञासा आई है तो उस पर बात कर लेते हैं। और ये नई जगह है, पहली बार यहाँ कार्यक्रम हो रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है, आप बैठिए। तो ये पहली बार हो रहा है तो हम लोग चाहेंगे कि अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा है शिवशिष्टता के बारे में तो उस जिज्ञासा को जरूर रखिए, यथासंभव हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये शिव गुरु का मंच है, यहाँ कोई विद्वान नहीं है, कोई प्रवचनकर्ता नहीं है, हम सब शिव के शिष्य हैं, अपने शिव की बात करने आते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर प्रश्नों का उत्तर हमको आता हो, क्योंकि हम सब उसी ज्ञान की खोज में हैं। लेकिन यथासंभव जितना भी गुरु ने ज्ञान दिया है, जितना भी साहब दीदी के सानिध्य ने समझाया है, उतनी कोशिश तो हम लोग कर सकते हैं। आइए, जिज्ञासा है, माँ काली और भगवान शिव में क्या अंतर है? पहली बार ऐसी जिज्ञासा आई है। माँ का क्षेत्र है ना। माँ काली और महादेव में क्या अंतर है? शिव की शक्तियों को अनेक रूपों में हम लोग जानते हैं। दस महाविद्या में प्रथम देवी है माँ काली, फिर बाकी उसके बाद है, प्रथम देवी माँ काली और महाकाली भी हम उनको कहते हैं। महाकाली का प्रयोग सिर्फ उन्हीं के लिए होता है, और एक नाम से हम लोग पुकारते हैं उनको, अघोरा। आपने उनके बारे में ये नाम सुना है, अघोरा? माँ काली के बारे में माँ काली को कहा जाता है अघोरा, और मात्र शिव के लिए प्रयोग होता है अघोर, माँ काली के लिए प्रयोग होता है अघोरा। और महाकाली को काल से परे की देवी भी कहा गया है, काल से परे की देवी, यानी जब ये सृष्टि, ये दुनिया बनी ही नहीं थी। काल कब लागू होता है? जिस माइक से हम लोग बोल रहे हैं, जिस दिन ये माइक बना होगा, पहले ये लोहे का टुकड़ा रहा होगा, लेकिन जोर जोर कर किसी ने इसको बनाया, अब जिस दिन ये बन गया है, अब तैयार है, मार्केट में आ गया, किसी ने खरीदा है, लेकिन जिस दिन ये बन गया उस दिन की तारीख उस पर लिख दी जाती है कि मैन्युफैक्चरिंग डेट, यानी कि बनने की तारीख क्या है। और बहुत बार जो खाने पीने के सामान है या क्रीम पाउडर है, इस तरह की चीजों पे भी लिखा रहता है कि कब ये बना है और कितना दिन इसका वैलिडिटी है, मतलब कितना दिन ये रहेगा, उसके बाद खराब हो जाएगा। तो हम लोग जब तारीख देखते हैं तो हम लोग कहते हैं नहीं नहीं, ये खराब हो चुका है, फेंको फेंको, दवा के ऊपर भी लिखा रहता है, आपने देखा होगा। यानी जैसे ही कोई चीज बनती है, सृजन होता है उसका, सृजित होती है, वैसे ही उसके साथ साथ उसके संहार की तिथि भी तय हो जाती है। बनी है तो टूटेगी, पैदा हुई है तो मौत होगी, किसी जीव ने पैदा ले लिया है तो मौत होगी, लेकिन
काल जब बना भी नहीं था, काल पैदा भी नहीं हुआ था, क्योंकि सृष्टि ही नहीं बनी थी, दुनिया ही नहीं बनी थी। और आपने सुना होगा शिवेच्छा बलि यसी, शिव की इच्छा में ही सबसे बड़ा बल है। शिव ने इच्छा की, ये दुनिया जो बनी शिव ने इच्छा की। एको हम बहुत श्याम, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। शिव ने इच्छा की है और उनकी इच्छा में इतना बल है, इतना बल है, अक्षय स्रोत ही है वो, इतना बल है कि इच्छा हुई है और सृष्टि बनी। शिव की इच्छा हुई और सृष्टि बनी, बस इतना ही हुआ। सृष्टि जैसे ही बनी, यानी सबसे पहले आकाश बना, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल, फिर क्षिति तत्व, यानी ये मिट्टी। पांच तत्वों से ये संसार बना है, पांच तत्वों से ही हमारा ये शरीर भी बना है। लेकिन ये जो सृष्टि बनी है उससे पहले भी कुछ तो होगा। आखिर ये बनी कहां से, आई कहां से? हम कहते हैं ना, कभी कभी किसी नदी का उद्गम स्थल हम खोजने जाते हैं। जैसे अमरकंटक हम लोग गए तो लोगों ने कहा कि माँ नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है यहाँ। जब हम लोग वहां गए तो एक छोटा सा कुआं नुमा जगह है जहां से वो नदी की धार है, फूट रही है, और आगे जाके वो पूरा विस्तार में है। गंगोत्री में जाइए तो गंगा नदी की पतली सी धारा है, लेकिन जैसे जैसे वो धरती पे आगे बढ़ी है, वो धारा चौड़ी होती गई है, बढ़ती चली गई है, यानी विस्तार लेती चली गई है। लेकिन वो धारा आखिर कहीं से तो आ रही होगी। हमको जो दिख रही है वो पतली धारा है, लेकिन उसका उद्गम कहाँ है? वो पतली धारा भी आखिर कहाँ से पैदा हुई है? तो ये काल जब बना, ये धरती जब बनी, ये सृष्टि जब बनी, उस सृष्टि के बनने से पहले क्या था? साहब ने बताया कि महाशून्य था, महाशून्य, कहीं कोई हलचल नहीं, कहीं कोई कंपन नहीं, कहीं कोई तरंग नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ अघोर। अघोर शब्द आता है और इसका अर्थ होता है जहां तरंगे नहीं है, शांत है सब कुछ। अगर हमारे इस धरती में, हमारे जीवन में ये तरंग जो ऊपर और नीचे होती है, अगर शांत हो जाए, अघोर हो जाए, मतलब एक लाइन में हो जाए, तो डॉक्टर कहता है कि मौत हो गई है। देखिएगा हॉस्पिटल में जाने पे ऐसा होता है, मॉनिटर पे दिखाता है कि नब्ज चल रही है, सांस चल रहा है, तो दिखाएगा कि ऊपर नीचे हो रहा है। एक्सरे करवाइए, देखिए उसमें ऊपर नीचे दिखता रहेगा। ईसीजी करवाइए, हार्ट का, दिल का, ऊपर नीचे होता रहेगा। यानी कि तरंगे हैं वहां, जीवन है तो तरंगे हैं, लेकिन इस जीवन से पहले जहां तरंगे नहीं थी, तो वहां महाशून्य था। उस महाशून्य में शिव अपनी समस्त शक्तियों के साथ अव्यक्त अवस्था में, यानी वो अवस्था जब वो व्यक्त नहीं हुए हैं, सब कुछ है उसके अंदर, अभी व्यक्त नहीं हुआ है, इसको हम समझ सकते हैं कि जैसे किसी बिया को आप लाइए, बीज को, अभी बीज को आपने धरती में लगाया नहीं है, तो बिया है वो, उसमें से पौधा एक दिन निकल सकता है, लेकिन आज वो सिर्फ बिया है, पौधा की संभावना उसके अंदर छुपी हुई है। पौधा निकलेगा लेकिन अभी नहीं, अभी वो बिया के अंदर सोया हुआ है, ताकत के साथ सोया हुआ है, शक्ति के साथ सोया हुआ है, पौधा को उगाने की ऊर्जा है उसके अंदर, सोया हुआ है। लगाएंगे तो पौधा निकलेगा, नहीं लगाएंगे तब तक उस बिये में वो सोया रहेगा। तो शिव अपनी समस्त शक्तियों के साथ सुसुप्तावस्था में, मतलब शांत अवस्था में, और अव्यक्त, जो व्यक्त नहीं हुआ है अभी, प्रकट नहीं हुआ है,
क्योंकि शक्तियों के बारे में हम कहते हैं कि शिव का प्रकटीकरण है, ये शिव प्रकट हुए हैं शक्तियों के द्वारा। तो उस अवस्था में मात्र काल की देवी किसको माना गया है, महाकाल यानी काल से परे की देवी मात्र महाकाली को माना गया है। और आपने देखा होगा इसलिए उनका जो स्वरूप है वो काला है, क्योंकि काल से परे में मतलब कोई रंग नहीं है, वहां कुछ है ही नहीं, सारी शक्तियां लेकिन वहां है, सभी शक्तियां हैं, सारी ताकत है, सारी ऊर्जा है, लेकिन अभी व्यक्त नहीं हुई है। तो अब जिज्ञासा ये है, अब हम आते हैं जिज्ञासा पे, फिर से वापस लौटकर जिज्ञासा है कि शिव में और माँ काली में क्या अंतर है। तो शिव अपनी शक्तियों के साथ व्यक्त ही नहीं है अभी, जैसे अग्नि है और उसका दाह है, अग्नि है धा है लेकिन दोनों अभिन्न है, एक साथ है, धूप है रोशनी है अभिन्न है, अलग नहीं है, दूध है उसकी सफेदी है, दूध हम चढ़ाते हैं ना दूध खौलाने के लिए, दूध है और उस दूध में सफेदी है, दूध से अलग नहीं है वो सफेदी, उसी में है। शिव और माँ काली एक ही है, अघोर और अघोरा, क्योंकि हम लोगों ने पुरुष और प्रकृति का जो ये किया है वो पुरुष और स्त्री के रूप में किया है, तो हम उनको माँ कह के पुकारते हैं, क्योंकि माँ जन्म देने की ताकत रखती है माँ, लेकिन पुरुष और माँ दोनों के कारण जन्म होता है, जन्म देने की ताकत है, जन्म देती है, पोषण देती है और पोषण के साथ पल्लवित पुष्पित भी करती है। तो ना शिव में ना माँ काली में ना उनकी शक्तियों में कोई भी भेद नहीं है, कोई भेद नहीं। शिव की शक्तियां हैं वो, प्रथम देवी हैं वो, काल से परे की देवी हैं, एकमात्र अघोरा है वो। अगली जिज्ञासा है कि गुरु, सदगुरु और जगत गुरु में क्या अंतर है। जिज्ञासा आपने सुनी है कि गुरु, सदगुरु और जगत गुरु, इन तीनों में क्या अंतर है। गुरु तीनों में लगा हुआ है, पहला गुरु, सदगुरु, जगत गुरु। गुरु तो तीनों में है, यानी कि गुरु जो अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाते हैं, गुरु शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो ये है कि गुरु अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाते हैं। और गुरु के बारे में कहा जाता है कि वो अपने दर्शन से, अपने स्पर्श से, अपनी वाणी से अपने पास बैठा कर शिव के लिए, ईश्वर के लिए आवेश पैदा करते हैं। तो जो देखा होगा आपने कि सामान्यतः जो गुरु होते हैं उनका जो दायरा है उसमें वो कुछ कर्मकांड, पूजा की पद्धति या स्पर्श करके, कभी कभी कहीं सुना होगा आपने कि ऐसे सिर को छू देते हैं तो ऊर्जा उनके अंदर जागृत हो जाती है स्पर्श से, शिव के तरफ आवेश पैदा करते हैं। सदगुरु के लिए हम लोग कहते हैं कि सदगुरु अपनी दया से शिव की ओर आपको ले जा सकते हैं। सदगुरु स्तर पे भी हम कहते हैं कि वो मात्र अपनी दया से महादेव के तरफ हमको लेके जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो शरीर में हैं, तो जैसे ही इस काल में आएंगे और शरीर में होंगे तो उनकी कोई पसंद या नापसंद तो होगी। जैसे रामकृष्ण परमहंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, सुना है, वो मिठाई पसंद करते थे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, उनकी पत्नी ने कहा कि आपको खराब नहीं लगता है शिष्य लोग बैठे रहते हैं, आप मिठाई खाने आ जाते हैं, क्या कहते होंगे शिष्य। उन्होंने कहा कि जिस दिन मैं मीठा खाना, मिष्टी खाना छोड़ दूंगा तो समझ जाना कि अब मैं यहाँ इस धरती पे नहीं रहूंगा, क्योंकि धरती पे रहने के लिए
शरीर में आए हैं इसलिए पसंद और नापसंद कुछ न कुछ रहती ही रहती है, एक ही होगी लेकिन होगी, जिसके कारण वो है। जिस दिन वो भी खत्म हो जाएगी फिर वो जीवन मुक्त हो जाता है, शरीर से मुक्त हो जाता है। तो सदगुरु भी अपनी दया से हमको शिव की तरफ ले जा सकते हैं, लेकिन उनकी कुछ पसंद होती है और उनका एक दायरा होता है। जैसे अभी हम लोगों ने जब बात शुरू की थी तो मैंने कहा था कि कोई कहता है कि गृहस्थ आश्रम छोड़कर आओ, मतलब गृहस्थी में तुम रहोगे भी और हम तुमको शिव की तरफ ले जाएंगे, ये हम नहीं कर पाएंगे। जो सदगुरु स्तर के लोग हैं वो नहीं कर पाएंगे, कुछ ना कुछ तुमको कर। किसी को ये पसंद है कि कोई ब्रह्मचारी हो के आए, यानी जीवन भर जो शादी नहीं करेगा, विवाह नहीं करेगा, स्त्री का स्पर्श भी नहीं करना है उसको, ब्रह्मचार्य व्रत में रहना है। तो वैसे लोगों को सिर्फ वो जो उनके पास इस तरह से आएंगे उनको सिर्फ वो शिव की तरफ ले जा सकते हैं, अपनी दया से ले जा सकते हैं। कोई है जो मंत्रों का जप है, इतने मंत्रों का जप करोगे तो ले जाएंगे, मांसाहार छोड़ के आओगे तब ले जाएंगे, प्याज लहसुन छोड़ के आओगे तब ले जाएंगे। यानी कि सदगुरु स्तर पे भी वो सीधे अपनी दया से शिव के पास ले जा सकते हैं, लेकिन उनकी कुछ पसंद और नापसंद है। उस दायरे में आप आइएगा तो वो ले जा सकते हैं। अब हम लोग आते हैं जगत गुरु के बारे में बात करते हैं। जगत गुरु जैसे ही कहते हैं, जगत गुरु की कुर्सी पे लगाने को तो आज शरीरधारी गुरु भी बहुत सारे हैं जिन्होंने जगत गुरु अपने नाम के साथ लगा लिया, ठीक है कोई बात नहीं, श्रद्धा है, विश्वास है, शिव का नाम ही तो हम लोग लगाते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन गुरु परंपरा में जैसे ही हम कहते हैं जगत गुरु, तो मात्र शिव ही उस कुर्सी पे है और कोई नहीं, और वो शिव जगत गुरु के स्तर पे है तो वो वर्जना नहीं लगा सकते, क्योंकि अब वो जगत के स्तर पे है, जगत गुरु है। वो नहीं कह सकते कि मांस खाने वाले के गुरु हम होंगे और मांस नहीं खाने वाले के गुरु हम नहीं होंगे, या मांस नहीं खाने वाले के होंगे, मांस खाने वाले के नहीं हम नहीं होंगे। होता है ना वर्जना, बंधन, नियम, कर्म कांड, शिव नहीं कह सकते, महादेव नहीं कह सकते, और वो कहेंगे भी नहीं, क्योंकि उनके लिए इन चीजों का कोई मोल नहीं है। हमारे लिए जो चीजें बहुत महत्व रखती हैं, वहां इन चीजों का, पाप पुण्य इन चीजों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब सीधे सबसे बड़ी सत्ता ही आ गई है, और वो हमारे जीवन में जो भी गलत होगा, खराब होगा, वो खुद ही गढ़ी गढ़ी काटे खोट, खुद ही गुरु गढ़ गढ़ के काट देते हैं, हमको उसको भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जगत गुरु के स्तर पे वो ऊर्जा के अक्षय स्रोत हैं, ज्ञान के भंडार हैं, यानी ज्ञान की जितनी धाराएं बही हैं, चाहे वो योग हो, चाहे वो कपाल साधना हो, या औघरिक लोगों का साधना हो, अघोर साधना हो, या गृहस्थ लोगों का आश्रम की परंपरा है जो उमापति के रूप में जो उनकी पूजा होती है वो हो, किसी भी रूप में कोई भी ज्ञान की धारा जो निस्रित हुई है, जो निकली है, वो सबके मूल हैं, यानी सारी धाराएं वहीं से निकली हैं, अक्षय स्रोत हैं वो। अब है कि अब वो धाराएं जो निकल रही हैं उस जगह से, तो धरती में अलग अलग गुरुओं ने खंडित, किसी ने योग को आगे बढ़ाया, किसी ने कपाल साधना को, किसी ने श्मशान साधना को, किसी ने गृहस्थ आश्रम के अनुकूल जो पूजा पद्धति है, यानी कि जो भी ज्ञान जिसके अनुकूल हुआ उसने उस धारा को आगे बढ़ाया। लेकिन हमको ये भूलना नहीं चाहिए कि हम किसको गुरु बना रहे हैं, हम सीधे शिव के पास जा रहे हैं, शिव को ही अपना गुरु बना रहे हैं, और वो है जगत गुरु। सदगुरुओं का गुरु भी जिसको कहा गया है, जो बुद्धों की खेती करते हैं, वैसी जगह पे हम पहुंच गए हैं और हम कहते हैं शिव मेरे गुरु हैं। अब बताइए उस शिव को जगत गुरु के कुर्सी से मेरे और आपके जैसे लोगों के
मानसिक स्तर तक आने के लिए कितना नीचे उतरना पड़ेगा? अक्षय स्रोत है वो, सारी धाराएं वहीं से निस्रित हैं, और वो हमको कुछ नहीं आता, कोई साधना नहीं, कोई उपासना नहीं, कुछ मंत्रों का जप नहीं, कुछ नहीं आता। तो आखिर मेरे मानसिक स्तर पे वो शिव उतरकर अपनी तरफ लेकर चलेंगे, ये कैसे होगा? देखिए, एक विषय है जिस पे भाई सोमेंद्र जी ने बात की होगी, मतलब पिछली चर्चाओं में भी उन्होंने किया है कि शिव की शिष्यता में वरेण्य गुरु भ्राता साहब हरिंद्रानंद और दीदी नीलम आनंद जी की क्या भूमिका है। शिव ऊर्जा के अक्षय स्रोत हैं, सारी धाराएं वहां से निस्रित हैं। शिव की इच्छा में इतना बल है कि उन्होंने इच्छा की है, और ऐसे कितनी सृष्टि बनी है, कितने सूरज चांद है वहां, इतनी बड़ी सत्ता जो परम के भी परम है, वो सत्ता हमारे आपके जैसे लोगों के मानसिक स्तर तक किसके कारण उतरे कैसे? कौन है उतारने वाला? किसने उतारा? ये आज तक तो धरती पे ये नहीं हुआ था, ये हुआ कैसे? मुझको लगता है आपने एक कथा पढ़ी होगी या सुनी होगी, बच्चे भी पढ़ते हैं, कि गंगा, माँ गंगा जिनको हम कहते हैं, माँ कह के पुकारते हैं, गंगा एक नदी है, हम माँ कह के पुकारते हैं क्योंकि वो पावन है, सबका उद्धार करने वाले है। माँ गंगा का इस धरती पे, इस पृथ्वी पे आना, ये इसकी एक कथा है, एक घटना है इसके पीछे, आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो जितना मुझको याद है, राजा भागीरथ के बहुत सारे पूर्वज, जो उनके पूर्वज थे, उनके परिवार खानदान में सैकड़ों हजारों जो मारे गए थे किसी न किसी कारण से, और उद्धार नहीं हो रहा था उनका, तो उनको बताया गया कि तुम जो है, अगर गंगा आकाश से उतरकर धरती पे आ जाएं और उस जगह से गुजरे, माँ गंगा की पावन धारा उस जगह से गुजरे, तो उद्धार हो सकता है, सारे पूर्वजों का उद्धार हो सकता है। तो राजा भागीरथ जो थे वो तपस्या में लीन हो गए, तपस्या करने लगे, ठीक है, तपस्या का फल भी मिला उनको, और माँ गंगा धरती पे उतरने को तैयार भी हो गई। लेकिन गंगा में बहुत प्रवाह था, तेज, उसकी धारा में, जैसे आपने सुना होगा सामान्य बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं कि देखो पानी में कितना करंट है, नहीं खड़े होते हैं, हुगली नदी के पास खड़े होते हैं तो कहते हैं कि देखो पानी में कितनी धार तेज है, कुछ भी इसमें डालेंगे सबको बहा के ले जाएगा, तोड़ के ले जाएगा, कहते हैं ना। तो माँ गंगा जब उतरने वाली है तो उस धार में जो उतर रही है अभी, इतना तेज है, इतना प्रवाह है उसमें, इतना करंट है उसमें, कि अगर उसी तरह से वो सीधे धरती पे उतरेंगी, तो गंगा ने कहा भागीरथ से कि मैं तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न होकर उतरने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे प्रवाह में, मेरी धार में इतना तेज है कि धरती उसको संभाल नहीं सकेगी, तो अगर मैं उसी तेज के साथ उतरी तो पूरी पृथ्वी को ही दहा के लेके चली जाऊंगी। अब बेचारे भागीरथ जी फिर संकट में पड़े, और जैसा कि संसार का नियम है और देवी देवताओं का भी, कि जब सारे सहारे छूट जाएंगे, जब सारे संकट से निकालने वाले साथ छोड़ देंगे और कोई नहीं बचेगा, तब हम जाते हैं महादेव के पास। अगर पहले ही चले गए रहते तो सारे संकट तो वहीं खत्म हो जाते। नहीं कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो दुख में सुमिरन करे सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए, अगर सुख में भी वो याद रह गए तो क्यों दुख होगा। तो देखिए भागीरथ फिर महादेव की तपस्या में लीन हुए, अब महादेव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए, कहानी है ये, कथा है, प्रकट हुए।
तो उन्होंने कहा कि हाँ बोलो, क्या बात है, किस लिए तपस्या में थे भाई, बोलो। राजा भगीरथ कहते हैं कि मेरे पूर्वजों का उद्धार नहीं हो पा रहा है, क्योंकि माँ गंगा उतर ही नहीं पा रही है पृथ्वी पे। वो जिस धार से उतरेंगी तो पृथ्वी ही बह जाएगी। महादेव ने कहा इतनी सी बात है, और कथा है ये कि जटाओं को खोला और कहा कि उतरो। गंगा पूरे तेज के साथ उतरी, पूरे प्रवाह के साथ उतरी। अहंकार भी हम लोग का ऐसा ही होता है, इतना होता है कि हम झुकते ही नहीं है, हमको लगता है कि बाप हमको आप बर्दाश्त नहीं कर सकिएगा, इतना हो जाता है कभी कभी। लेकिन देखिए पूरे तेज के साथ वो उतरी, लेकिन शिव की जटाओं में समाती ही चली गई, कहाँ चली गई पता ही नहीं चला, और शिव ने अपनी जटाओं को लपेट लिया। अब राजा भगीरथ तो फिर से संकट में पड़ गए। उतरी भी, महादेव मान भी गए, लेकिन वो फिर से संकट में पड़ गए कि जटाओं में ही चली गई, नीचे तो उतरी नहीं। उन्होंने फिर से महादेव की तपस्या शुरू की, कहा कि महादेव आपकी जटाओं में ही सारी चली गई हैं, थोड़ा मतलब यहाँ तो उतारिए। तो महादेव ने, कथा है ये, महादेव ने अपनी जटा का थोड़ा सा भाग ऐसे किया, एक पतली सी धारा निकली। वो पतली सी धारा ही इस जगत के लिए, सोचिए कि गंगा कितनी बड़ी नदी मानी गई है, कितना विस्तार है उसका। हम कहते हैं कि जब कोई काम नहीं होता तो हम कहते हैं भगीरथी प्रयास करो, भगीरथी कोशिश करो, यानी कि जैसे भगीरथ ने कोशिश की थी लगातार तो माँ गंगा उतरी थी कि नहीं, लेकिन जटाओं का सहारा लेकर उतरी। ठीक, उनमें इतना तेज था इस धरती पे उतरने में, और हमने और आपने सीधे महादेव को ही गुरु मान लिया है। जिनकी जटाओं में गंगा कहाँ चली गई पता नहीं चला, करोड़ों बिजलियां जिनका आहार है, काल को भी जिससे डर लगता है, काल भी जो भजता है शिव शिवम, हमने, हमारी क्या औकात है, हमारी क्या बिसात है, वो गुरु होते कैसे हमारे। तो कहीं ना कहीं धरती पे आने में एक जगह से उसको, उस ऊर्जा को गुजरना पड़ता है, और वो ऊर्जा जो गुजरी है शिव की, गुरु की ऊर्जा, जगत गुरु शिव की ऊर्जा, तो इस धरती पे अब मेरी जिज्ञासा है कि आप बताइए किसके द्वारा उतरी, कहाँ उतरी, किसके द्वारा विस्तार पाई है इस धरती पे, आप बताइए। अच्छा, भैया हरिंदर जी के द्वारा। सोचिए कि धरती पे जो इंसान एक साधारण दुबले पतले से कुर्ता पजामा पहने, पान खाते हुए बैठे हुए, सामान्य से अति सामान्य व्यवस्था में रहते हुए दिख रहे थे हम लोगों को शरीर में, और आज सूक्ष्म रूप से हम लोगों के साथ हैं, उनकी ऊर्जा का भी आकलन कर लीजिएगा कि जिसने शिव को ही जमी पे उतार दिया है, उसकी ऊर्जा का स्तर क्या होगा, और उनकी बोली हुई बात में कितनी ऊर्जा होगी। उन्होंने कहा है उस शिव से दया मांगो, दया होगी। उन्होंने कहा शिव की चर्चा करो ना, शिव की बात करो, करते हैं हम, शिव को प्रणाम करो ना, प्रणाम ही कर लो, करते हैं हम, और शिव समा रहे हैं मुझ में और मैं सुनने हो रहा हूं। ये शिव कैसे समा रहे हैं, ये हुआ कैसे, किसके कारण, तो ये धरती उनको ना भूल जाए, क्योंकि धरती भूलती बड़ी तेजी से है, ये मैंने देखा है, इतनी तेजी से भूलती है इसका आभास नहीं था, लेकिन हाँ ये दर्द है कि जिसके कारण आज हम लोगों की कोई योग्यता नहीं, कुछ नहीं है, तब मेरे आपके गुरु शिव हुए, तब शिव की बात हुई है, और आज हम उनके स्तर को भी समझने की कोशिश नहीं कर रहे। इसलिए मेरा निवेदन है कि साहब हरिंद्रानंद जी के इस बात का मनन करिए, अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि उन्होंने कहा है
कि मात्र ये तीनों सूत्र ही शिव शिष्यता के रास्ते के पाथे हैं। इस रास्ते पे जब हम चलते हैं तो रास्ते में हम कुछ रखते हैं ना, रोटी पानी रख लेते हैं खाने के लिए कि रास्ते में जाना है, भूख लगेगी तो खा लेंगे। पाथे यानी पथ पे चलते समय जो हमको मेरी भूख को शांत करे, मेरे शरीर को ऊर्जावान करे। शिव की शिष्यता में हमारा मन चलता है, शिव की शिष्यता में चलने का पाथे है ये तीनों सूत्र। दिया हुआ है साहब हरिंदानंद जी का, शिव की ऊर्जा उतरी जगत गुरु से, शिष्य किस शिष्य में उतरी, किसके द्वारा संसार में विस्तार ली है, ये भी हमको याद रखना होगा। और उसको भी संभालने के लिए जो हाथ आगे बढ़े थे वो हाथ माँ नीलम आनंद जी के थे, अपनी ममता से पोषण दिया उन्होंने। तो आज शिव शिष्यता की बगिया हरी भरी है, खिली है, गूंज उठ रही है शिव शिष्यों की। और उन्होंने इतना ही कहा कि जब भी हम लोगों ने उनसे कहा कि हमको क्या आता है, हम लोगों को, हम लोग की बात लोग क्यों सुनेंगे, साहब ने कहा कि जितना भी गुरु ने तुमको दिया है उसको छींटो, छींटो, छींटो मतलब तुम जहां से गुजरो, शिव का शिष्य जहां से भी गुजरे अपने शिव की बात को कर दे वहां। क्या पता कहां की धरती कब उसमें पौधे उगा देगी, कब उसमें फूल और फल लग जाएंगे, कोई नहीं जानता। तो शिव की शिष्यता पूरे सृष्टि को शिवमय बनाने का ही विज्ञान है। शिव एक दिन जीव बने, जीव अब शिव बनने की यात्रा में है। आओ चले शिव की ओर एक आवाहन है, साहब की आवाज है ये। उन्होंने कहा जिस दिन पहली बार कहा था ये, उन्होंने कहा कि ये मेरे दिल की आवाज है, दूर वन प्रांतरों से आती हुई, गूंजती हुई, एक दर्द है, एक एहसास है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये सिर्फ बात नहीं है, ये सिर्फ पुकार नहीं है, ये मेरा दर्द है, ये मेरी पुकार है, ये मेरा एहसास है कि हम सब चलें मन से उस शिव की तरफ। धरती पे आए हैं, महादेव को भूल गए हैं, कम से कम धरती पे रहते रहते उस महादेव को याद तो करिए। तो इतना तो हम कर सकते हैं कि जहां भी हम जाते हैं हम अपनी बात कुछ ना कुछ वहां रख देते हैं, महादेव की बात भी कर दीजिए, छींटिए छींटिए छींटिए, ऐसा छींटिए। हालांकि इस पे एक बहुत सुंदर गुरु शिष्य परंपरा की कहानी है कि एक गुरु के दो शिष्य थे। गुरु अपने आश्रम से वृद्ध हो गए थे, आश्रम से दूर जा रहे थे। उनकी चिंता का विषय था कि उनको लग रहा था इतना बड़ा आश्रम है मेरा, मैं नहीं रहूंगा जब अभी कुछ दिन, इसको संभालेगा कौन। तो उन्होंने शिष्यों की परीक्षा ली, दो शिष्य उस परीक्षा में पास होकर थोड़ा आगे आए। अब गुरु जो थे धर्म संकट में पड़े, उनको लगा कि इन दोनों में से अब किसको चुनूं, अब बड़ा कठिन है। तो उन्होंने कहा कि भाई एक अंतिम परीक्षा और हो जाए। उन्होंने गेहूं के दाने को पोटली में बांधकर दोनों शिष्यों को एक एक पोटली, गेहूं के दाने दोनों शिष्यों को एक एक पोटली बांधकर दे दिया और कहा कि मैं कुछ महीनों के बाद जब आऊंगा तो ये जो मैंने तुमको दिया है इसको वैसे ही मुझको वापस करना। गुरु चले गए। एक शिष्य ने सोचा गुरु की दी हुई चीज है, जो कि हम भी यही सोचते हैं, अगर गुरु ने कुछ दिया है तो हम सोचते हैं गुरु की दी हुई चीज है, किसी को देना नहीं है, इसको सुरक्षित रखना है। उस शिष्य ने भी ऐसा ही सोचा। उसने दरवाजे और ताले लगा के उस गेहूं के दानों की पोटली रख दी, ताले लगा लिए उसमें कि हाँ कहीं कोई ले ना ले, चोरी ना हो जाए, खराब ना हो जाए, मतलब रख दिया उसमें सुरक्षित। दूसरे शिष्य ने सोचा कि अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो उसके मन में जो प्रेरणा जगी, गुरु की दया क्या होती है, प्रेरणा कैसे जगाती है, उसके मन में ये प्रेरणा जगी कि गुरु ने कहा है कि बहुत महीने लगेंगे आने में, तब तक इस गेहूं के दाने को रखकर मैं क्या करूंगा, क्यों नहीं आश्रम के पीछे जो जमीन है उसमें खेत कोर के, खेत को कोर कर, और क्यों नहीं मैं उसमें इन गेहूं के दाने को लगा देता हूं,
पौधे हो जाएंगे और फिर गेहूं के दाने तो वापस आ ही जाएंगे और तब तक गुरु लौटेंगे तो उनको दे दूंगा। और गुरु पहले ही लौट आए, कुछ ही समय के बाद, कम महीने में ही लौट आए। आने के बाद उन्होंने दोनों शिष्यों को बुलाया और कहा कि मैंने गेहूं की पोटली दी थी दो, तुम दोनों को दी थी, मुझको अब वापस करो। तो पहला शिष्य जो था वो तो तुरंत दौड़ कर गया, क्योंकि वो तो अलमारी में अच्छे से बंद करके रखा था, उसको तेजी में दौड़ कर गया और पोटली उठा कर ले आया, गुरु जी के सामने खोला गया। अब इस इतने दिनों में हुआ ये था कि वो गेहूं बंधे बंधे वो क्या हो जाएगा, अगर बांध के बहुत दिन छोड़ दीजिए तो क्या होगा, खराब हो जाएगा। हाँ, खराब हो जाएगा। तो वो खराब हो चुका था, यानी अब वो किसी काम का नहीं रहा। गुरु ने दूसरे शिष्य को भी बुलाया, कहा कि तुमने वापस नहीं किया। अब वो शिष्य धर्म संकट में पड़ा, उसने कहा कि गुरुजी आप जरा मेरे साथ आइए। गुरुजी को लेकर पीछे गया आश्रम के, वहां जाकर देखता क्या है, गुरुजी देखते क्या है, शिष्य दिखाता है कि गुरुजी देखिए ना, मुझसे बहुत अपराध हो गया। गुरु ने कहा क्या हुआ, शिष्य डर गया, अब कैसे दूं, दाना तो लगा दिया है और बालियां लगी हुई हैं अब। तो गुरु ने कहा कि क्या हुआ, शिष्य ने कहा कि जी मैंने आपकी दी हुई गेहूं के दानों को खेत में लगा दिया, मैंने सोचा कि रखूंगा कहीं खराब हो गया और आपको आने में बहुत समय था। देखिए, गुरु ने कहा, सीने से लगाया उस शिष्य को और कहा कि मेरा जो सच्चा शिष्य है तू ही है, क्योंकि गुरु की दी हुई चीज को जितना दूसरे में बो सकते हैं हमको बोना चाहिए। आप गौर करिएगा कि ऐसा पेड़ जिसमें फल लगते हैं, एक बिया से वो पेड़ बना होगा, एक बिया से एक पेड़ बना होगा ना। अब उस पेड़ में बहुत सारे फल हैं, लेकिन हर फल अपने से दुगुना पांच गुना बिया छोड़कर इस धरती से जाता है। मतलब वो जब खत्म होता है, जब उसकी मौत होती है उस फल की, उस बिये की, तो वो असंख्य बीजों को इस धरती पे छोड़ के जाता है। शिव के शिष्यता में साहब ने कहा छींटो छींटो छींटो, ये गुरु का ही प्रेरणा है, गुरु का ही आदेश है कि छींटो, मतलब कि तुम क्या जानो कि कहाँ पौधे लगेंगे, और तुम्हारी एक व्यक्ति से की हुई बात वहां के पूरे माहौल को शिवमय कर देगी, ये तुम क्या जानो। ये तो गुरु की ऊर्जा काम कर रही है, और जिसने कहा है हम सबों को, ताकत उनकी काम कर रही है, मेरी आपकी नहीं। प्रकृति जब पोषण करती है पेड़ का तो वो बड़े बड़े पेड़ बनते हैं। अभी सामने ये पेड़ है, क्या इस पेड़ में किसी ने आकर पानी पटाया होगा कभी? आप अपने घर से आए थे कभी खाद पानी देने? नहीं आए। लेकिन आप घर में जो लगाते हैं उसमें जो खाद पानी डालते हैं तो वो मर भी जाता है और बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत बड़ा होता है। लेकिन प्रकृति स्वयं जिसका पोषण करती है, शिव स्वयं जिसका पोषण करते हैं, वो ऐसे ही शानदार बन के उभरती है। शिव के शिष्यता बांटने की विधा है, छिपा कर रखने की नहीं। तो मेरा अनुरोध है कि आप जहाँ भी रहते हैं, गांव-गांव में दूसरों से अपने गुरु शिव की बात करिए। कम से कम उसके जीवन में अगर आपके बोलने से दो कदम भी वो शिव की तरफ चल पाता है, तो इससे बड़ा पुण्य, इससे बड़ा काम, इससे बड़ी मदद शिव शिष्यों की और कुछ भी नहीं हो सकती। हाँ, अंतिम एक जिज्ञासा है। दीदी माँ नीलम आनंद जी को शक्ति स्वरूपा क्यों कहा जाता है? दीदी माँ नीलम आनंद जी को शक्ति स्वरूपा क्यों कहा जाता है? मैं खुद भी कहती हूँ उनको, और गुरु भाई गुरुवान भी कहते हैं, शक्ति स्वरूपा मतलब
शक्ति का स्वरूप जो हो, अपना रूप जो उसका है वो क्या है। इस धरती पे जो जीवन उन्होंने जिया है, माँ नीला मानंद जी की बात हो रही है अभी, जिज्ञासा उसी पे, साहब हरिंदानंद जी के साथ उनका विवाह हुआ 22 मई 1972 झारखंड में, अब है वो पलामू जिला है, मनातूगढ़ में उनका विवाह हुआ। जब साहब का विवाह हुआ उनसे, उस समय वो एक राज परिवार की बेटी और साहब के पिताजी भी एजुकेशन डायरेक्टर उस समय बिहार के थे, दोनों का परिवेश बिल्कुल अलग अलग था। इनका शिक्षा का था, उनका राज परिवार का था। एक तरफ जहां शिकार करना, जंगल में जाना शान की बात थी, दूसरी तरफ किताबों की दुनिया थी। वो दोनों के जीवन की पृष्ठभूमि जो है परिवार की एकदम अलग अलग थी, लेकिन उस परिवेश से दोनों एक जगह एक हुए कहते हैं। और संत ज्ञानदेव जी ने भी कहा है कि इस धरती पे अगर घास की एक पत्ती भी उगती है तो शिव और शक्ति के अन्योन्याश्रित प्रेम के कारण उगती है। यानी एक ऐसा प्रेम जो एक दूसरे में ऐसा रचा बसा है कि मिलके जीवन देता है। शिव की शिष्यता का प्रारंभ जब हुआ 1974 में, उस समय वो साहब की अर्धांगिनी धर्म पत्नी के रूप में उनके साथ थी। साहब हरिंदानंद जी ने पहला पत्र लिखा था उनको, और उस पत्र में उन्होंने लिखा था कि नीलम, मैंने शिव को अपना गुरु बना लिया है, तुम भी शिव को अपना गुरु बना लो। उस समय वो मनातू में थी। माँ नीलम आनंद जी को जब ये पत्र मिला अपने पति का, उन्होंने अपने पति के जीवन को देखा कि गुरु की तलाश में, सही गुरु की तलाश में ये कितना भटक रहे थे। और उन्होंने जब ये पत्र पढ़ा कि शिव को ही गुरु बना लिया है और तुम भी बना लो, तो उनके मन को एक इतनी शांति अजीब सी मिली। उनको लगा कि मेरे पति के जीवन को अब ठौर मिला। और जब साहब और दीदी माँ मिले, साहब ने उनसे पूछा कि क्या लोग, क्या सचमुच शिव गुरु हैं? माँ ने कहा कि हाँ हैं। बाद के जीवन में जब जब साहब ने कहा कि क्या लोग मेरी बात सुनेंगे, जब मैं लोगों से कहूंगा कि मैंने शिव को गुरु बनाया है, तुम भी अपना गुरु बना लो क्या नीलम, लोग मेरी बात सुनेंगे? और माँ कहती, हाँ सुनेंगे। ये संबल, ये अन्योन्याश्रित प्रेम जिसने शिव शिष्यता की धारा का विस्तार कर दिया इस धरती पे, ये दोनों के असीम प्रेम से उपजा था। और वो एक तरफ साहब लोगों को ईश्वर की प्रेरणा, शिव की प्रेरणा दे रहे थे, और एक तरफ माँ नीलम आनंद उसमें सामर्थ्य और शक्ति भर रही थी। तो देखिए, माँ और पिता अपने बच्चे को जन्म देते हैं, पिता शिक्षा देता है, माँ उसको पोषण देती है, भोजन और ममता, उसके हारते हुए मन को, निराश मन को फिर से उम्मीदों से भरती है, कहती है कि नहीं, हारो मत, थको मत, आगे मंजिल है। और ये शिव के शिष्यों को जो रास्ता साहब ने दिखाया, उस रास्ते पे चलने के लिए माँ नीलम आनंद जी ने अपने आंचल की छाया की। यहाँ बैनर लगा है, भगवान शिव गुरु है, शिव की शिष्यता का ये मार्ग है, और मंजिल है भगवान शिव स्वयं। मंजिल के तरफ चलने का रास्ता, सामर्थ, ताकत, एक माँ के रूप में, एक शक्ति के रूप में, एक ऊर्जा के रूप में जो माँ नीलम आनंद जी ने दिया है, इसीलिए हमारे मन से खुद ही, किसी ने कहा नहीं, किसी ने सिखाया नहीं है, खुद ही हमारे मन का भाव अभिव्यक्त हो जाता है ये कहते हुए कि माँ नीलम आनंद शक्ति स्वरूपा, जिन्होंने शिव के शिष्यों को शक्ति दी शिव की तरफ चलने के लिए, साहब और दीदी ने हाथ थाम कर उस रास्ते पे चलाया है, तो हम उस माँ को कैसे ना कहें शक्ति। शक्ति यानी शिव की ऊर्जा, शिव की
सब तो शिव का ही है, इसलिए हम कहते हैं ये हमारे मन के भाव हैं, अभिव्यक्त हो जाते हैं। और कोई है? अब इस कार्यक्रम का मतलब समापन तो नहीं कह सकते इसको, क्योंकि ये पहला महोत्सव है खड़गपुर का, और इस पहले महोत्सव में काफ़ी लोगों ने सहयोग किया है। आपके अगल बगल के जिले से आकर लोगों ने आपकी मदद की, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उम्मीद है आप भी दूसरों के साथ ऐसा ही करेंगे, आप भी उनकी मदद करें, उनको महादेव की तरफ लेकर चलें। रास्ते में खड़े हो जाने पे दूसरे नहीं चल पाते, तो साथ चलिए भी और दूसरों को चलाइए भी। और जिज्ञासा है कि शिव को भगवान के रूप में हम सभी पूज ही रहे हैं, तो उनको अलग से गुरु बनाने की क्या आवश्यकता है? आज के इस कार्यक्रम का ये अंतिम जिज्ञासा है। शिव को भगवान के रूप में हम पूज रहे हैं, भगवान के रूप में उनकी पूजा हो रही है, तो अलग से गुरु के रूप में हमको करने की क्या जरूरत है? बात तो सही है, मतलब सामान्य तौर पे देखिएगा तो बात तो सही है ना, कि भगवान के रूप में तो हम पूज ही रहे हैं। शिव ईश्वर के रूप में, ईश्वर के रूप में वो शिव संसार को चलाते हैं, और जो मांगते हैं हम, महादेव ऑर्डर दानी है ना, भोला है वो, शंभू है। हम शिव पे जल चढ़ाते हैं, अपने भाव से उसको पूरित करते हैं, फूल चढ़ाते हैं और कहते हैं महादेव मेरे परिवार को देखना, हमको ये देना, हमको वो देना। ईश्वर के रूप में वो भावातीत सत्ता है, मतलब भाव से भी परे, जो मांगा है जिसने दे दिया है, विवेक नहीं रखा कि क्या क्या उसके लिए अच्छा होगा ये या नहीं होगा। जैसे सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है इसमें रावण का। रावण के बारे में कहा जाता है कि वो शिव के परम भक्त थे, शिव की आराधना उन्होंने की लंबे समय तक, और शिव से वरदान भी प्राप्त किया, शिव के भक्त के रूप में जाने जाते थे। तीनों लोकों की संपत्ति मांग ली शिव से, शिव की आराधना करके, उनकी तपस्या करके शिव जब प्रकट हुए, उन्होंने कहा क्या मांगते हो भक्त, क्या मांगते हो? रावण ने कहा तीनों लोकों की संपत्ति दे दो महादेव। ईश्वर के रूप में महादेव ने दे दिया। नतीजा उसका क्या हुआ पूरी दुनिया जानती है। ईश्वर के रूप में उन्होंने जो मांगा सो दे दिया, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुमने मांगा है मैंने दे दिया है। लेकिन उन संपत्ति को और शक्ति को संभालने का ज्ञान नहीं मांगा, सामान मांग लिया, ज्ञान नहीं मांगा। मुझको याद है कि जब शुरू शुरू में गैस चूल्हा आया था, बहुत लोगों को गैस चलाने नहीं आती थी, लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाते थे हम लोग, तो गैस जलाने नहीं आता था, तो डर से बहुत लोग उसका नॉब नहीं घुमाते थे, क्योंकि पता नहीं था ना कि कहीं आग लग गई तब। और आश्चर्य लगता था, चमत्कार लगता था कि ये लाइटर से ऐसे करने पे आग कैसे लग जाती है उसमें, और गैस अगर इधर इधर आग लग गई तो हम ही को लग जाएगी, देखिए। लेकिन जब पता चल गया कि नॉब घुमाओ और लाइटर वहीं पे रखे रहना, नॉब घुमाना और लाइटर जला देना या माचिस जला देना, सीख लिया हमने, तो है वो विध्वंसकारी। अगर गैस का सिलेंडर फट जाए घर में तो पूरे घर में आग लग जाए, लेकिन उस विध्वंसक चीज को भी कैसे नियंत्रण में रखना है इसका ज्ञान ले लिया, तो घर घर में गैस के चूल्हे हैं कि नहीं? घर घर में है, लोग खाना बनाते हैं, दिन रात जलता रहता है, पूरे घर को नष्ट कर सकता है, लेकिन उसको धारित करने का, उसको प्रयोग करने का ज्ञान हम लोगों ने ले लिया। इसी तरह शिव से आया
ईश्वर के रूप में आई हुई चीज हम मांग सकते हैं, महादेव दे देते हैं, लेकिन उसको संभालने का ज्ञान अगर नहीं लिया तो फिर वो व्यर्थ हो जाता है। कहा भी गया है, कहावत है इस पे कि कूत पूत कपूत तो क्या धन संचय, और पूत सपूत तो क्या धन संचय। दोनों स्थिति में पूत यानी पुत्र आपका अगर सपूत है, अच्छा है, तो धन नहीं संचय किया है आपने, तो वो धन कमा लेगा ज्ञान से। अगर ज्ञानी है तो ज्ञान से अपना धन कमा लेगा, लेकिन अगर ज्ञान नहीं है उसके अंदर और आपने अपने घर की सारी संपत्ति दे दी है, जमीन लिख दिया है, पता चलता है कि वो अपने ऐसो आराम में जमीन पे जमीन बेच देता है, आराम से सब खत्म करके बैठ जाता है। कारण संपत्ति दे सकते हैं आप, पिता के रूप में संपत्ति दे सकते हैं, लेकिन संपत्ति को संभालने का ज्ञान नहीं हो तो सारा कुछ नष्ट हो जाता है। जीवन मिला है इंसान का, हम भगवान के रूप में जब शिव को पुकारते हैं और ढरदानी हैं, भावातीत सत्ता हैं, वो सब कुछ दे देते हैं, लेकिन ईश्वर के रूप में देते हैं। अब वही ईश्वर अगर गुरु है, वही पिता घर में चॉकलेट मांगे हैं दे दिया है, अब वही पिता स्कूल में मास्टर है और गए हैं और मास्टर से कहते हैं कि मास्टर जी बाहर जाएं, तो दो थप्पड़ देता है वही पिता। घर में जो मांग रहे थे दे रहा था, लेकिन अभी जो पढ़ने बैठ गए हैं क्लास में, मास्टर बन गया है और हम विद्यार्थी बन गए हैं, तो मेरी कोई मांग सुन ही नहीं रहा है, क्योंकि उस समय वो शिक्षक के भूमिका में है। उस समय वो ये समझा रहा है कि पढ़ो तभी तुम्हारा जीवन बनेगा, अभी खेल कूद नहीं होगा, पढ़ाई होगी। और वो पढ़ाया हुआ उसका ज्ञान उसके पुत्र को, संपत्ति वो दे सकता था लेकिन उसका अच्छा जीवन नहीं दे सकता था, वो उसने शिक्षक के रूप में उसको दिया। वैसे ही महादेव जब जगत गुरु के रूप में होते हैं तो विवेक पूर्ण चीज देते हैं। हम मांगते तो है ही, बहुत चीजें मांगते हैं, हमारा स्वभाव है, जब जो नहीं है मांग लिया, लेकिन गुरु के रूप में वो हमको वही देंगे जो हमारे जीवन के लिए अच्छा होगा। तो भगवान शिव और जगत गुरु शिव, गुरु भी अपना अगर हो जाए तो भगवान के भी सारे रूप हमारे ही हो जाते हैं, और गुरु कोई हो ईश्वर से ही मिलवाता है। जगत गुरु शिव भी स्वयं गुरु होंगे तब भी हमको ईश्वर से ही मिलवाएंगे। कैसे? हमारे मानसिक स्तर तक उतरकर, हम जिसमें समझ सकते हैं। एक बच्चा, हम बीए पढ़े हुए हैं, एक बच्चा बीए नहीं पढ़ा है, वो अभी पढ़ने बैठा है मेरे पास, तो उसको हम लाइन खींचकर बताते हैं कि बाबू लाइन को ऐसे खींचो, क लिखो, अ लिखो, ए लिखो। हम बहुत पढ़े हैं, बीए पास है, लेकिन वो बच्चा अभी आया है, तो उसके मानसिक स्तर पे उतर कर जो वो समझ सकता है उस स्तर पे, उस नीचे तक उतर कर, और तब गुरु ज्ञान देने की जिम्मेवारी वहन करते हैं। हम जितना समझ सकते हैं उस स्तर पे उतर कर, वो अक्षय स्रोत शिव उस स्तर पे उतर कर धीरे धीरे हमारे ज्ञान का परिमार्जन करते हैं, बढ़ाते हैं, और एक दिन हमारी समझ में ये आ जाता है कि कुछ भी यहाँ होता होता नहीं है, रहना नहीं देश वीराना है, यह जीवन कागज की पुरिया बूंद परे खुल जाना है। यह जीवन चल रहा है, चल रहा है, योजना पे योजना हम बना रहे हैं, संपत्ति पे संपत्ति हम इकट्ठी कर रहे हैं, लेकिन अगले ही पल क्या होगा इसका पता नहीं, अगले पल की खबर नहीं है, और योजना है सालों साल की। तो और चीजों के लिए तो हम योजना बना रहे हैं, लेकिन क्या महादेव के लिए भी हमने कोई योजना बनाई है? क्या इस जीवात्मा की यात्रा के लिए भी कोई योजना बनाई है? 70-80 साल के जीवन के लिए तो इतनी चीजें इकट्ठी कर ली, लेकिन हजारों साल की जो यात्रा है, हम इस जीवात्मा की जो मेरे अंदर है, हजारों साल की इस यात्रा के लिए हमने क्या सोचा है? तो हम सब शिव को अपना गुरु बनाए हैं और लोगों को प्रेरित करें ताकि वो बनाए
और अपने मन से, इसमें तो आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, अपने मन से ही महादेव से दया मांगें। जहां मौका मिले चर्चा कर लीजिए, नमन कर लीजिए, जैसे आता है वैसे ही कर लीजिए। कोई भाषा जिस भाषा में आपको आती है वही भाषा से कर लीजिए। नमः शिवाय से मन है, नमः शिवाय से कर लीजिए, यानी प्रणाम कर लीजिए और महादेव के लिए अपने मन में धीरे धीरे थोड़ा समर्पण, थोड़ी एक निष्ठता लाने की कोशिश करिए। हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, लेकिन एक जगह आप कहीं बैठ जाते हैं और आप ध्यान से उस पेड़ की एक पत्ती को देखने लगते हैं। यहाँ मैदान में बैठे हैं आप, चारों तरफ से गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन आप बैठे हुए धीरे धीरे चारों तरफ की चीजें दिखाई देती रहती हैं, लेकिन आप देखिएगा कि एक दिन आप बैठे हैं उसी पत्ते को देख रहे हैं, उस पत्ते में एक बिंदु है वो भी आपको दिखाई देने लगता है। यानी आपका मन जो पूरी तरफ बिखरा हुआ था वो धीरे धीरे एक जगह जाके टिक जाता है और वो जगह है महादेव। जगत रहेगा, चलेगा, सब कुछ होगा, लेकिन मेरा मन महादेव पे टिक जाए इसकी कोशिश करें हम सब। आइए अब हम सब आप लोगों से विदा लेते हैं और हम लोगों का ये आना, आपका इस कार्यक्रम को करना, ये महादेव के तरफ चलने में मददगार साबित हो, मदद करे हम सभी की। ऐसा आशीर्वाद हम सब अपने साहब और माँ नीलम आनंद जी से मांगते हैं, ऐसी दया अपने गुरु शिव से मांगते हैं कि उनकी दया की बरसात होती ही रहे और हमारे मन प्राण उस दया की बारिश में भींगते ही रहें। तो अब हम लोग विदा लेते हैं, फिर मुलाकात होती रहेगी। महादेव की शिष्यता का फैलाव है, लोग मिलते ही रहेंगे, बिछड़ते ही रहेंगे, लेकिन महादेव मिल गया तो वो बिछड़ेगा नहीं। चलिए आप सभी के चरणों में हम सब